चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जब वो बेटियां पदक जीत कर आई थी तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी बराबर में खड़ा करके फोटो खींचे थे, बराबर में खड़ा होकर, क्योंकि टीआरपी बढ़ रही थी। ये बात जात की नहीं है, ये बात उसूल की है। सब जाति वर्ग के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि मैं भी किसी जाति से आता हूं। इस देश का मान आप है और वो बेटियां हैं। अगर उनके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। मैं वादा आपको देकर जाता हूं, नौजवानों की तरफ से, अपने समाज के लोगों की तरफ से, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां अतुल प्रधान जैसे लोगों का खून बहेगा। वो भी स्टेज पर आ जाए। मैं सर्वप्रथम इस धरती को नमन करता हूं। पता ही नहीं चल रहा है। ये ऐतिहासिक सोरम की धरती और ये ऐतिहासिक आज फैसला लेने वाली घड़ी, इस ऐतिहासिक धरती पर, ये ऐतिहासिक सरजमी पर हर एक बैठे हुए ऐसे सूरमा जिन्होंने देश और विदेश तक अपनी पहचान को, अपने निर्णय को, अपने फैसलों को लोगों के भले के लिए लगाया है, ऐसे सर खाप के हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। मैं उनकी इस ऐतिहासिक निर्णय की खड़ी को नमन करता हूं। ऐसे लोग जो दूर दराज से चलकर आए हैं और इस महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें लिया जाएगा यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनकी भी उपस्थिति को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं महात्मा टिकैत जी को, जिनके पदचिन्हों पर चलकर आज इस किसान कौम को ताकत और हौसला देने का काम हमारे किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज इस निर्णय में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, ऐसे निवेश नरेश टिकैत जी, आज इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी राजेश नागर जी, और यहां पर उपस्थित अभी राकेश टिकैत जी भी पहुंचने वाले हैं, बाबा श्याम सिंह जी, किशनदेव राठी जी, बत्तीसा खाप के और सारे खाप के नेतागण, और ऐसे सामाजिक व्यक्ति जो आज इस निर्णय को लेने आए हैं। मैंने 5-6 मिनट की बात कही है। जब बात राजनीति की आती है, जब राजनीतिक मुद्दों और मसलों की आती है, तो कोई कितना भी बड़ा राजनीतिक व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति सामाजिक नहीं है, अगर सोशल नहीं है, तो किसी पद और ओहदे का कोई फायदा किसी को नहीं हो सकता। इसलिए आज जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो तब बोल रहा हूं, तब सामाजिक होने के नाते मैं इस बैठक मीटिंग में, इस बैठक में पहुंचा हूं। आप जो निर्णय लेंगे हम उसे सर आंखों पर रखेंगे, और मैं वादा आपको देकर जाता हूं, नौजवानों की तरफ से, अपने समाज के लोगों की तरफ से, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां अतुल प्रधान जैसे लोगों का खून बहेगा। वादा करते हैं आपसे। अरे आपने जुलुम जाति देखी, लेकिन बधाई देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं इस कौम को। और कई लोग कहेंगे कि जाति की बात अतुल प्रधान बोल रहा है, अरे बधाई देना चाहता हूं इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जाट समाज ने काम किया है, इंसानियत को बचाने के लिए जो जाट समाज ने काम किया है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। किसान यूनियन देश की यूनियन है, और ऐसा काम, 700 जवान मर गए, 700 किसान मर गए, एक साल से ज्यादा धूप में, बारिश में, सर्दी में, चारों तरफ पहरा, कटीले तार, ये
AK-47 से लैस हमारे जवान चारों तरफ थे, लेकिन बधाई हो ऐसे सूरमाओं को, ऐसे लोगों को साधुवाद, जिसने पूरी देश की किसान कौम को और देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। अब फिर आपके कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी आई है, यह ऐसी जिम्मेदारी है दोस्तों साथियों, जो हमारी बेटियों ने, देश के मान सम्मान ने जो वो पदक जीते, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, वो किसी एक जात के नहीं है, वो पदक इस देश का सम्मान है, तिरंगे का सम्मान है। और हम सब लोगों को मिलकर उस अस्मिता को, उस त्याग को, उस देश की भावना को इकट्ठा रखना है। मैं कहना चाहता हूं इस भाजपा की जुल्मी सरकार को कि तुम जुल्म और जाति करते रहना, और उस जुल्म जातियों का जवाब ये बैठे हुए चौधरी और ये बैठे हुए लोग आपको हमेशा देंगे। अरे जुल्मियों, गाड़ी के नीचे रोन देते हो किसानों को गाड़ी के नीचे, और तुम्हारा गृह मंत्री अब भी गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री बना बैठा है। अरे जुल्मियों, वादा करते हो और वादे के बाद निकल जाते हो। जब वो बेटियां पदक जीत कर आई थी तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी बराबर में खड़ा करके फोटो खींचे थे, बराबर में खड़ा होकर, क्योंकि टीआरपी बढ़ रही थी। और वही पदक, वही तमंगे, वही लोग, वही बेटियां, वही पहलवान आज दुश्मन नजर आते हैं। चेहरे पर पैर रखोगे ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। चेहरे पर बेटी के पैर रखा और ऐसे में भी हमारा खून ना खोला तो हमारा खून नहीं, हमारा पानी है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हम भी जाना चाहते थे 28 तारीख को, पुलिस ने जुल्म और जाति की, हमारे पवार साहब बोल कर गए, हमारे राजे नागर जी को अपने अध्यक्ष बना रखा है। मैं कहना चाहता हूं यह बात जात की नहीं है, यह बात उसूल की है। सब जाति वर्ग के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि मैं भी किसी जाति से आता हूं, मैं भी किसी वर्ग से आता हूं, और मैं एक गौरवान्वित महसूस करता हूं जिस जाति में अतुल प्रधान पैदा हुआ, वो 1857 की क्रांति करने वाले लोग, देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने इस देश के लिए काम किया। जैसे हमारे यहाँ पर जाट समाज के लोग बैठे हैं, आप लड़ाई लड़ने वाले, किसान की, नौजवान की, गरीब की, मजदूर की, नौजवान की, अरे भाइयों, हमारे गुर्जर समाज के लोगों को भी अपने साथ जोड़ लो, और ऐसे जुल्मियों को सजा देने का काम करिए। मैं आपको वादा देता हूं, पवार साहब अभी बोल कर गए सहारनपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ। जो लोग बात करते हैं जात की, हर जगह जाति निकालते हैं, अरे धरने पर बैठी भी लोगों की, हमारी बेटियों की भी जाति ढूंढ ली तुमने सिर्फ इसलिए कि लोग बच जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि धरना प्रदर्शन आंदोलन ये यज्ञ की तरह है, तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं, इस यज्ञ को मिटा पाओ, मिटा नहीं पाओगे। ये इतनी बड़ी ताकत आज नरेश टिकैत जी के रूप में, सारी खागोपों के रूप में यहां पर उपस्थित है, और कल कुरुक्षेत्र की धरती पर आपसे लड़ाई लड़ने की शुरुआत हो जाएगी। यह लड़ाई जो पहली चल रही है, इस लड़ाई को बढ़ाने का काम करेंगे। मैं और अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि मैं जिस पद और ओहदे पर हूं वो समाज की वजह से हूं, आप लोगों की वजह से हूं। ऐसा पद और ऐसा ओहदा अगर अतुल प्रधान को 100 बार छोड़ना पड़े लड़ाई के लिए, तो अतुल प्रधान कभी भी ऐसे पद और ओहदे को छोड़ देगा जिसमें इज्जत और सम्मान ना। लेकिन आपसे कहकर जाते हैं कि जहां पर आपकी आवाज आएगी वहां पर अतुल प्रधान जैसे लोग खड़े मिलेंगे। मैं भाई राकेश टिकैत जी यहां पर बैठे हैं, मैं अपने समाज की तरफ आपसे बात कहकर जाता हूं। जब आप दिल्ली में भी थे, एक दो लोगों ने कुछ बोला, हमने यहीं से निकलकर एक बात कही थी कि जिस व्यक्ति ने बोला है वो किसान कौम का नहीं हो सकता, वो किसी किसान कौम का नहीं है। इसलिए आपसे कहकर जा रहे हैं यहां पर कि जब जब आप बुलाएंगे
और उस हर लड़ाई में हम आपके साथ नजर आएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे बोलने का मौका दिया, और ऐसे मंच पर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा कि मुझे बोलने का मौका मिला। मैं नरेश टिकैत जी को, जो आप निर्णय कर देंगे, जो आप खाप के लोग निर्णय कर देंगे, जो सामाजिक लोग निर्णय कर देंगे, हम सारे नौजवान उस पर चलने का काम करेंगे। और ये बात कहकर जाते हैं, इस देश किसान आप हैं, इस देश का मान आप हैं, और वो बेटियां हैं, अगर उनके लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूं मुझे ऐसे समय पर आपने बोलने का मौका। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद श्रीमान अतुल प्रधान।